Hello, welcome to my mama's channel. Please like, share and subscribe my channel. हेलो फ्रेंड्स, वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। मैं सोनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पे। और आज मैं आ गई हूँ अपनी नई रेसिपी के साथ। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ भिंडी मसाला की रेसिपी, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम भिंडी लिया है, जिसको अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था और इसे मैंने लंबे टुकड़ों में काट के रखा है। आपको इस तरह से बीच में भी सेंटर से आपको भिंडी को कट लगाना है, ताकि ये भी दिख जाए कि इसमें कोई कीड़े वगैरह ना हो और जो भी हम मसाले इसमें ऐड करेंगे वो इसके अंदर तक फिलिंग जाएगी। इस वजह से आपको ऐसे कट करके रखना है। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, जिसको मैंने बहुत बारीक चॉप किया है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे 2 बड़े साइज के टमाटर, उसको ग्राइंड करके मैंने प्यूरी तैयार करके रखी है। अभी हम भिंडी को एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे और अब मैं यहाँ पे ऐड करूंगी एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। साथ ही साथ इसमें डालूंगी मैं लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच और 1 चम्मच बेसन का। इन सभी को हम अच्छे से टॉस कर लेंगे, ताकि जो बेसन और मसाले हैं वो भिंडी के ऊपर से कोट हो जाए। या मैं थोड़ा सा पानी का यूज़ कर रही हूँ, करीब 1-1.5 चम्मच पानी, और फिर से मैं इसको अच्छे से टॉस कर लूँगी, ताकि जो बेसन है वो अच्छे से कोट हो जाए। एक बार मैं स्पून से भी इसको चला ले रही हूँ। तो इस तरह से आपको मिक्स करना है और कवर करके मैं इसको 10 मिनट्स के लिए साइड में रख दूंगी। यहाँ मैंने करीब 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल गरम किया है और उसमें मैंने जीरा यानी कि क्यूमिन सीड एक छोटा चम्मच ऐड किया है। साथ ही साथ 2 हरी मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको हम अच्छे से चलाएंगे। जब ये क्रैकल होने लगे तो इसमें मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे फ्राई कर लेंगे, ताकि जो जिंजर गार्लिक है वो अच्छे से फ्राई हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए। जिंजर गार्लिक हो चुका है, मैं एक बार इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर ले रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे चुटकी भर हींग यूज़ कर रही हूँ। सभी को मैंने एक बार फिर से मिक्स कर लिया है। फ्लेम लो रखेंगे हम और अब मैं यहाँ पे बारीक टुकड़ों में कटे हुए प्याज जो है वो ऐड कर रही हूँ और इसको फिर से हम चला लेंगे। मीडियम फ्लेम पे मैं इसे फ्राई कर लूँगी। प्याज को भी हमें करीब 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए और ये गोल्डन ब्राउन होकर के फ्राई हो जाए। प्याज भुन चुका है तो अब मैं यहाँ पे टोमेटो प्यूरी ऐड कर रही हूँ। टमाटर का पेस्ट आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं टमाटर को, मैंने ग्राइंड कर लिया था। और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर का पानी जो है वो अच्छे से ड्राई ना हो जाए। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच। 1 चम्मच मैंने पहले भी डाला था भिंडी में, और 1 छोटा चम्मच मैं मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। साथ ही साथ इसमें धनिया पाउडर हम 2 से 2.5 चम्मच लेंगे। 1 चम्मच मैंने जीरा ऐड किया है और सॉल्ट स्वाद अनुसार। सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट होने लगा है मसालों से, और प्याज टमाटर सब कुछ बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब मैं यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच, और साथ ही साथ 1 चम्मच मैं सांबर मसाला भी इसमें डाल दूंगी। एक बार फिर से हम इन सभी को चला लेंगे। फ्लेम मैंने लो रखी है और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ दही। मैंने 2 बड़ा चम्मच दही लिया है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो यूज करें, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ फ्रेश कर लिया है और मैं फ्लेम लो रखूंगी, ताकि दही जो है वो फटे नहीं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से जो मसाले हैं वो मिक्स हो चुके हैं और ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब मैं यहाँ पे 2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। ये भी ऑप्शनल है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। मुझे पसंद है इसलिए मैं इसमें
यूज़ कर रही हूँ, इन सभी को हम चला लेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी भी डाल दिया है जो दही बाउल में लगा था, ताकि मसाले की कंसिस्टेंसी थोड़ी। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ भिंडी, इसमें जो बेसन लगा है वो भी मैंने स्पून से इसमें डाल दिया है, और हम इसको अच्छे से चलाएंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से भिंडी के साथ सब मसाले मिल चुके हैं। अगर आप चाहे तो, अगर ड्राई लगे मसाले तो आप उसमें इस स्टेज पे भी एक दो चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कवर करके करीब 4 से 5 मिनट तक भिंडी को पकाऊंगी लो टू मीडियम फ्लेम पे। मसाले तो ऑलरेडी भुन चुके हैं, बस हमें भिंडी को थोड़ा सा पकाना है, तो मैं इसको थोड़ा सा और कवर करके करीब 1 से 1.5 मिनट तक और पका लूँगी लो फ्लेम पे। और यहाँ आप देख सकते हैं भिंडी मसाला हमारा बनके तैयार हो चुका है। ये एक बहुत ही अच्छी ड्राई सब्जी होती है, जिसे आप किसी, या मैं आपको चेक करवाती हूँ भिंडी पक चुकी है, फ्लेम में ऑफ कर दूंगी। किसी भी सब्जी के साथ में एडिशनली भिंडी मसाला ऐड करके आप राइस के साथ खा सकते हैं, या फिर पराठा पूरी किसी के साथ भी। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है, तो इस मेथड से आप ज़रूर ये ट्राई करें एक बार, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर टच करें फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।